तो दोस्तों, हमारी भारतीय रेलवे काफी तेजी से फ्यूचर की ओर आगे बढ़ती जा रही है। साथ ही इसका विकास अब और भी ज्यादा तेजी से करने का ऐलान किया जा चुका है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2024 में शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात की है। खासकर भारतीय रेलवे के विकास के रोड मैप पे बात की है, चाहे वह हाई रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन हो या अब तक की लोकप्रिय वंदे भारत एक्सप्रेस, आने वाली स्लीपर वंदे भारत या फिर अमृत भारत एक्सप्रेस हो, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों की रीडेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने खुल के बात की है। पीएम मोदी जी ने अगले 5 साल में भारतीय रेलवे में होने वाले विकास के बारे में काफी सारी बात की है। यकीन मानिए, पूरी खबर सुन के आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए विस्तार में बात करते हैं भारतीय रेलवे की बदलती पूरी रूपरेखा के बारे में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूँ भारतीय रेलवे के इस मेगा प्लान वाली शानदार वीडियो में। भारतीय रेलवे के विकास के रोड मैप के मुताबिक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड की बुलेट ट्रेन परियोजना को वित्त मंत्रालय से वित्त शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। इस परियोजना के लिए फंड को 19,592 करोड़ से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद के बीच यात्री 3 घंटे कम समय में सफर कर सकेंगे, जिसके एक बड़े हिस्से की शुरुआत 2026 में जल्द से जल्द शुरू करने की पूरी उम्मीद है और जिसकी हरी झंडी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ही दी है। साथ ही दोस्तों, बुलेट ट्रेन के अलावा भारतीय रेलवे साल 2047 तक 4,500 वंदे भारत ट्रेन को लेकर आएगा। जहां अभी फिलहाल देश में 80 से भी ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही है और जल्द ही स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने को तैयार हो रही है, जिसकी बिल्कुल शानदार तस्वीर निकल के सामने आ चुकी है और वीडियो आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा 2024-25 वित्त वर्ष तक करीबन 50 नई अमृत भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा इस किस्म की 1000 नई ट्रेनों की मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन तो की ही जा रही है, लेकिन अब भारतीय रेलवे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले मॉडल को विकास करने के बाद पे विचार कर रहा है। और जैसे जैसे भारतीय रेलवे की यह तरक्की हमें देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जल्द ही भारतीय रेलवे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले मॉडल भी तैयार कर लेगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार की अमृत भारत स्कीम के तहत करीबन 1309 रेलवे स्टेशनों के विकास का कार्य भी जारी है। इस स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं, साफ सफाई, मुफ्त वाईफाई और विकलांग यात्रियों के लिए प्रावधानों में सुधार की ओर भारतीय रेलवे द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट को भी पूरी तरह से रोकने की दिशा में भारतीय रेलवे काफी जोरों शोरों से काम कर रहा है। भारतीय रेलवे का मानना है कि 2030 तक वह पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट को खत्म कर देगा। यहां डेली तौर पे चलने वाले ट्रेन यात्राओं के फेरे को 3,000 तक बढ़ाने की योजना किया जा रहा है। इस मांग को पूरा करने के लिए पुराने रोलिंग स्टॉक को 7,000 से 800 नए ट्रेन सेट में बदलने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रमुख रेलवे कॉरिडोर पर भीड़ भाड़ में राहत पाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे द्वारा 7 उच्च घनत्व लाइन पर मल्टी ट्रैकिंग को लक्षित करने के लिए 4.2 करोड़ रुपए 10 वर्षीय योजना का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें फ्लाई ओवर, अंडर पास के निर्माण के साथ साथ यातायात की मांग के आधार पर ट्रैक को 2 गुना करना, यहाँ तक कि ट्रिपल करने की भी योजना शामिल है। यात्री अनुभव को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लक्ष्य में करीबन 40,000 ट्रेन बोगियों के बदलाव करके उनमें वंदे भारत जैसी सुविधा और वंदे भारत जैसी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए रेलवे द्वारा काम किया जाएगा और इसमें कुल 15,200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रेल योजना 2030 का लक्ष्य नए समर्पित माल ढुलाई, उच्च गति रेल गलियारों की पहचान करना है और माल गाड़ियों की औसत गति को 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है। राष्ट्रीय रेल योजना यानी कि NRP का लक्ष्य एक व्यापक ढांचा विकसित करना है जो 2050 तक माल परिवहन में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ा देगा। बाकी यही कुछ थी दोस्तों भारतीय रेलवे की ये पूरी रूपरेखा और पूरा मेगा प्लान। इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे हमें कमेंट कर देना। साथ ही जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।